दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। मंगलवार को ईद उल फितर का पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा परंपरागत और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस वर्ष शहर में नई ईदगाह पर सुबह 8 बजे और कोठी पहाड़ी सर्किट हाउस के समीप स्थित मस्जिद में 8:30 बजे ईद की नमाज पढ़ी गई। 30 दिन का रोजा रखने के बाद हजारों लोगों ने अल्लाह को सजदा करते हुए देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। भीषण गर्मी को देखते हुए इस वर्ष शहर कांची की ओर से सुबह 8 बजे ईद की नमाज का वक्त तय किया गया था। नई ईदगाह पर सुबह से ही मेले जैसा उत्साह बिखर गया। हजारों लोग बच्चों और परिवार के साथ इस सामूहिक नमाज में सम्मिलित हुए। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर शहजाद हाजी ने कहा कि छतरपुर में सभी वर्गों के लोग एक साथ गले लगकर वर्षों से ईद का त्योहार मनाते आ रहे हैं। यही हमारे शहर की खूबसूरती है। इसी तरह ईद की बधाई देने पहुंचे कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि यह त्योहार हमें अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देता है। हमें हर हाल में अपने देश में अमन कायम रखना है। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनीस खान ने कहा, इस त्योहार में हम सभी पुराने सिकुओं को भुलाकर गले लगते हैं और एक साथ देश की तरक्की साथ ही अमन की दुआ के लिए हजारों लोग अल्लाह से गुजारिश करते हैं। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के भी तगड़े इंतजाम दिखे। हनुमान टोरिया मंदिर के समीप स्थित कोठी पहाड़ी मस्जिद पर खुद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा मौजूद रहे, तो वहीं नई ईदगाह पर SDM विनय द्विवेदी, ASP विक्रम सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। ईद उल फितर के आज के अवसर पर मैं अपने सभी क्षेत्र के मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और 2 वर्ष के बाद आज ईद नमाज करने का जो मौका यहां अदा करने का लोगों को मिला है, एक अच्छी खुशी का माहौल है। मैं क्षेत्रवासियों से और अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से और अन्य समाज के भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हमारे शहर में अमन चैन कायम है, ये अमन चैन और मेल मिलाप इसी तरह बरकरार रहे और एक बार पुनः ईद उल फितर की शुभकामनाएं बधाई। आज 2 साल बाद कोरोना काल के बाद जो ईद का त्यौहार मना, उसमें वास्तव में एक अपार खुशी और सब लोगों के दिल में एक बहुत सुकून का काम है। जो कोरोना काल की वजह से 2 साल मुस्लिम समाज के लोग और हमारे सभी लोग भलाई जाए नहीं आ पाए, आज सभी लोग हैं। आज मैं शहरवासियों को सबको दिल से ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रदेश को हमारे छतरपुर शहर में एक खुशहाली और आपसी सौहार्द, गंगा जमुना तहजीब की एक परंपरा कायम बनी रहे, यही हमारी खुदा से दुआ है।